तो सही, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि अगर आपने 20 लाख रुपए खर्च नहीं किए तो वो आपने कमा ही लिए, तो नहीं लेने आप जाए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑटो एक्सपर्ट। रफ्तार की दुनिया में आपका स्वागत है और आप हैं सपना शर्मा आपकी होस्ट के साथ। आज हम बात करने वाले हैं सुपर कार्स एंड लग्जरी कार्स के बारे में। और इंडिया में मुझे सुपर कार्स बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती हैं क्योंकि ज़्यादा चलन में है ही नहीं, बट फिर भी थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती हैं। बट वेन वी टॉक अबाउट लग्जरी कार्स, एंड लग्जरी कार्स मीन्स परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है, लाइक BMW, ऑडी, मर्सिडीज़, वॉल्वो, इन कारों की बात करें तो ये बहुत कम लोगों की रीच तक हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्री ओन्ड कार्स तो हम सोच सकते हैं इन कारों के लिए, लेकिन जब हम प्री ओन्ड कार्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं कि क्या उसकी परफॉर्मेंस होगी, जेन्युइनिटी कितनी होगी, क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए तो इसी के लिए देखिए आज हम देहरादून आए हैं, क्योंकि हमें पता चला है यहाँ पर लग्जरी राइड एक डीलरशिप चेन है जो अदर सिटीज़ में भी है और ये इन्हीं प्री ओन्ड कार्स में डील करते हैं और हमें फुल गारंटी और वारंटी के साथ ये प्री ओन्ड कार्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो किस तरह से ये डील करते हैं, आइए चलते हैं, विज़िट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो देखिए दिस इज़ लग्जरी राइड देहरादून और ये मेन सहारनपुर रोड है। देखिए ML, ऑडी, ये बाहरी खड़ी हमें देखने को मिल रही है और ये लोग कह रहे हैं कि ये गाड़ियाँ हमारी रीच तक आ सकती हैं। तो किस तरह से आएंगे हमारी रीच में, चलिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, देखते हैं। अमित हमें यहाँ पर मिले हैं एंड विल जस्ट डिस्कस विद हिम ये कैसे ये कार्स हमें हमारी रीच तक लेकर देते हैं। सो प्लीज मिस्टर अमित। थैंक यू सो मच सपना जी। हेलो व्यूवर्स, एक्चुअली लग्जरी राइड एक कॉन्सेप्ट था जो 2012 में शुरू किया गया और इस कॉन्सेप्ट के पीछे यही था कि एक खास आदमी तो ये खास गाड़ियाँ खरीद लेता है, लेकिन एक आम आदमी कब, क्योंकि हर किसी का ड्रीम होता है, आज लोग आते हैं गाड़ी देखने के लिए, लंबो खड़ी हुई है तो क्लिप लेना है, फोटोग्राफ लेना है, हम जब निकलते हैं तो लोग सिर्फ सेल्फी के लिए लुक जाते हैं, तो उनकी अपनी एक ड्रीम है, इसीलिए इसमें नीचे एक टैगलाइन दी गई है, ड्राइव योर ड्रीम कार। और इसके पीछे का जो सर का जो सपना था इसको शुरू करने का 2012 में, वो यही था कि एक आम आदमी इसको अफोर्ड कर सके। कैसे, नई गाड़ी तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने प्री ओन्ड कार्स को लॉन्च किया जिसमें हम लोग अपने 150 पैरामीटर्स पर चेक करने के बाद ही कोई गाड़ी परचेज़ करते हैं। उसके बाद ज़रूरी काम करने के बाद, चाहे वो सर्विसेज है, वॉशिंग है, पॉलिशिंग है, सब कुछ क्लियर करने के बाद आपके लिए गाड़ी शोरूम तक लेके आते हैं। सो अमित, दिस इज इन माय माइंड दैट लाइक ये 7 सीरीज है और 15 लाख आप बता रहे हैं, बट एक्चुअल जो इसकी कॉस्ट है दैट इज मोर देन 1 CR आई थिंक। इट इज, तो 15 लाख में अगर हमें मिलती है तो हम लेने के लिए ज़रूर सोच सकते हैं, बट हाउ विल मेंटेन इट, इसकी मेंटेनेंस कैसे होगी। आई मीन मुझे तो लगता है कि ये लेना आसान है बट इसको मेंटेन करना मुश्किल है। ये एक माइंडसेट है लोगों का, मार्केट में जब हम जाते हैं तो ये बात हमें सुनने को मिलती है। लोग हमें बुलाते हैं कि सर वी आर लुकिंग फॉर द प्रेजेंटेशन, तो उनका ये सबसे बाद का सवाल होता है कि ठीक है द प्राइस इज गुड, नई 1 CR प्लस है, अभी आप 15 लाख में दे रहे हैं, सो आई कैन अफोर्ड इट इन टर्म्स ऑफ इट, लेकिन इसके बाद क्या, सर्विसेज का क्या। तो सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ
12,999 से शुरू होती है और ऑलमोस्ट 20,000 तक सर्विसेज ख़त्म हो जाती है। और अगर सर्विसेज की बात करें तो कितनी होती है साल में एक सर्विस मैक्सिमम, ज़्यादा यूज़ कर लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा दो सर्विस जो अब तक हुई नहीं है किसी की भी, तो या तो 15,000 किलोमीटर होता है या एक साल के अंदर अंदर आप सर्विसेज करते हैं, तो 12,999 से लेकर 20,000 तक सर्विसेज ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ माइलेजेस की भी, तो जो 3000 सीसी के इंजन है उनके माइलेजेस थोड़े कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी 2000 सीसी इंजन। इसका क्या माइलेज है अभी? इसका जो माइलेज आता है वो है 6 to 8, डिपेंड्स हाउ यू ड्राइव। ओके, ठीक है, तो ये माइलेज के हिसाब से, बट दिस इज़ वन ऑफ द लग्जीरियस कार, आपने इसको देखा भी हुआ था, कल आपने देखा भी है इसको अंदर से। सो यहाँ पर ये सारे हैं। दूसरी बात, आपको आज़ादी मिलती है सड़क पर चलने की, क्योंकि इंडियन रोड्स हैं तो इट्स नॉट ईजी केक वॉक टू ड्राइव इट। तो वहाँ पर हमारे यहाँ इंश्योरेंसेस भी अवेलेबल है, जीरो डेप्थ इंश्योरेंसेस भी हैं, इसके अलावा कंपेरेंसिव भी है। जीरो डेप्थ की अगर मैं बात करूँ तो 7 साल तक मेन कंपनी देती है, लेकिन हमारे यहाँ स्पेशल टाई अप्स है कुछ कंपनीज के साथ जो उसको 10 साल तक एक्सटेंड कर देते हैं। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। वाओ, और देखिए आई मीन आई कैन सी बिग ब्रांड्स हियर, GLA इज हियर, ऑडी, वॉल्वो, एंड दिस इज सुपर कार, वाओ माय फेवरेट। सो वी कैन सी सो मेनी बिग ब्रांड्स, बट आज हम किसी एक ब्रांड से स्टार्ट करते हैं, एंड मेरे आने वाले वीडियोस में आपको हम इन कार्स के बारे में, और ऐसी बहुत सारी कार्स हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन आपको बताएंगे अबाउट द स्पेसिफिकेशंस, प्राइजिंग, सो मेनी थिंग्स। तो चलिए आज एक से स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ कार्स दीज आर। सो वी स्टार्ट विद वॉल्वो। एक्चुअली वॉल्वो 2013 में मुझे पता चला था कि इसकी कार्स भी हैं, बिकॉज मैं तो यही समझती थी कि वॉल्वो सिर्फ बसेस बनाता है, बट देखिए दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार, बिकॉज जब मैंने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की है, बहुत ज़्यादा नहीं, सो इट्स अ मोस्ट रिलायबल कार इन लग्जरी कार्स, तो इसी के बारे में आज हम बात करते हैं। Look at this. Wow. And the speakers, Bowers and Wilkins, 3 speakers in one door. And 2 speakers we can see here. So overall मुझे लगता है 14-15 speakers इसमें हैं. And look at the music system, the screen. It's not the ordinary screen, it's like a tab. तो यहाँ पर ये काम भी बिल्कुल हमारा मिनी कंप्यूटर, मिनी टैब आप कह सकते हैं उसकी तरह करता है, एंड ऑल दी फंक्शंस आर हियर, सो यू कैन इजीली मैनेज दीज, एंड लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस एवरीथिंग, एंड लुक एट दिस ड्राइव मोड नॉब, इट्स वेरी एलिगेंट। एंड इवन अभी मुझे कुछ सेकेंड्स हुए हैं यहाँ पर गाड़ी में बैठे हुए, और इट्स चिल्ड, AC is chilled, wow. And the entire roof you can see, this is panoramic sunroof. तो आप पूरा आई मीन अच्छे से स्काई देख सकते हो। सो आइए चलते हैं वॉल्वो की अंदर सवारी करते हैं, इसको देखते हैं अंदर से। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मैंने अनलॉक नहीं किया, लेकिन मेरे पास अगर कीज़ है तो मुझे किसी भी तरह की की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। सो द बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर आपके पास कीज़ है तो आपको इसको अनलॉक या लॉक करने की ज़रूरत नहीं है बार बार। आइए प्लीज़ लेट्स मूव इनसाइड। तो जैसा सभी अभी अपडेटेड कार्स में हो रहा है कि आपको की एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट एग्जैक्टली आपको सिंपल आपको ब्रेक क्लिक करना और इसको स्टार्ट करने के लिए एक हल्का सा इसको मूव कर देना। दैट्स स्टार्टेड नाउ। जैसा आपको पता है कि वॉल्वो
इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कार इन वर्ल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट. तो इसकी असेंबल जो ये गाड़ियाँ होती हैं सारी स्वीडन में होती हैं, और इसके सेफ्टी फीचर्स बड़े अच्छे हैं. हालांकि इसके इंटीरियर फीचर्स भी बड़े स्पेशल हैं क्योंकि हमने इसको ड्राइव किया है, सो वी नो वेल अबाउट इट. इसके अंदर जो सेंसर्स हैं, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे ये जो पूरा का पूरा जो मीटर है ये 40 और 0 वहाँ मुझे सामने दिखाई दे रहा है. आपको नहीं दिखाई दे पाएगा, यहाँ से सामने दिखाई देता है. तो जब गाड़ी ड्राइव करती है तो आपको बार बार यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, आपकी आंखें जो है सड़क पर बनी रहती है, वहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई देती है. सेंसर्स हैं चारों तरफ लगे हुए, प्रॉपरली सेंस करते हैं कौन कितनी दूरी से आ रहा है, कौन कैसे है. और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर सामने कोई भी आपके कोई व्हीकल आ गया या कोई व्यक्ति आ गया, साइनेजेस आते हैं, तो हर चीज़ आपको डिस्प्ले में दिखाई देती है और ये ऑटो ब्रेक ले लेती है. अगर मेरी स्पीड 80 है, 100 है और सामने कोई आ गया तो तुरंत स्पीड कम हो जाती है. दैट डिपेंड्स कि वो सेंसर क्या सेंस कर रहे हैं. इसके अलावा पूरा कंप्लीट डिस्प्ले यहाँ पर अवेलेबल है पूरी तरह से. और सबसे अच्छी बात यह है कि सीट्स के अंदर मसाजर्स हैं, तो प्रॉपरली सीट्स के अंदर मसाजर्स अवेलेबल हैं, जो कि एक छोटा सा बटन है यहाँ पर जो उससे काम करता है. तो प्रॉपरली पूरी सीट पर पीछे की तरफ मसाज है जो आपको बहुत अच्छे से मसाज दे दिए, क्योंकि जब आप लंबे समय तक ड्राइव करते हैं तो किसी को बैक पेन है, किसी को कोई इशूज़ हैं, तो वो बहुत रिलैक्स करते हैं. सीट सारी जैसे कि होता है फुली ऑटोमेटिक है, आगे पीछे प्रॉपरली एडजस्टेबल है, आपको कैसे करना है क्या करना है, सो अकॉर्डिंग टू योर सीट्स यू कैन एडजस्ट. मेमोरी ऑलरेडी सेटल्ड है यहाँ पर कि आप मेमोरी को सेट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से. रेयर व्यू मिरर की एडजस्टमेंट है, जैसा कि यूजुअली इन कार्स में होता है. वो सारे फीचर्स हैं, मसाज सीट्स हैं, एसी सीट्स अवेलेबल है, हॉट एंड कूल सीट्स इज ऑल्सो अवेलेबल. बैक साइड थोड़ा सा मैं आपको ले चलूँ. और भी एडिशनल फीचर्स हैं और वो है स्पेशली फॉर द किड्स कि आप इस सीट को अकॉर्डिंग टू द किड एडजस्ट कर सकते हैं. टू किड कैन सिट प्रॉपरली, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है तो वो भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. दैट इज़ फॉर बोथ ऑफ द वे, आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं. इसके अलावा ये पूरी तरह से एडजस्ट हो जाती है, यू कैन सी द स्पेस. आप इस तरफ आके देखेंगे वो भी इसी तरह से सीट प्रॉपरली नीचे आ जाती है. यू कैन यूटिलाइज इज अकॉर्डिंग टू योर नीड. स्पेस है प्रॉपरली, हाँ, तो इसको आप आगे से यू कैन कीप इट हियर एंड दिस इज डन. तो जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो हिडन हो जाएगी. नाउ यू कांट सी एनीथिंग, बिल्कुल सही. ये अपने आप फिर से फोल्ड हो गया. सो दिस इज़ V90 2019 मॉडल और सिर्फ 8000 किलोमीटर चली हुई है. तो सोचिए कि अगर नॉर्मल जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं उनका 8000 में कुछ नहीं बिगड़ता. सो दिस इज़ द हाई परफॉर्मेंस कार. सो लेट्स टॉक अबाउट दी प्राइजिंग. अमित से पूछते हैं, जैसा कि इसकी जो नई की वैल्यू है वो 68 to 70 lakh रुपीज़ है, आप नई लेने जाते हैं. और चूँकि ये 2019 मॉडल है तो इसकी प्राइस वहाँ थी, अब शायद इसकी प्राइस बढ़ गई होगी. जैसे ये सिर्फ 8000 किलोमीटर चली है, 2019 मॉडल है, 49 lakh रुपीज़ में अवेलेबल है और ये एक्स शोरूम प्राइस है. और इन गाड़ियों का अगर नॉर्मल कार्स की बात करें हम तो वो भी 8-10 हज़ार किलोमीटर, दैट इज़ इक्वल टू न्यू. तो ये तो है ही हाई परफॉर्मेंस कार, तो ये तो इट इज़ गुड फॉर नथिंग. मतलब 8000 तो कुछ भी नहीं है, आप ये समझ लीजिए ये बिल्कुल इक्वल टू न्यू है. अंदर से आपने इंटीरियर देख ही लिया है इसका, दिस इज़ एक्चुअली अप टू द मार्क. तो अगर आप चाहते हैं एक बेहतरीन कार कम पैसों में, तो लग्जरी राइड आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, सारी गारंटी और वारंटी के साथ. सो अप्रॉक्स 20 lakh हमें इसमें डिस्काउंट मिलता है एक तरीके से, बिल्कुल सही. बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि अगर आपने 20 लाख रुपए खर्च नहीं किए तो वो आपने कमा ही लिए. तो नई लेने आप जाएंगे तो वही होगा और ये इक्वल टू न्यू है. तो आपने यहाँ मोटे मोटे 20 लाख रुपए बचा लिए, तो बहुत अच्छा अमाउंट. हाँ, जो डेप्रिसिएशन थी वो इसकी हो चुकी, इससे कम नहीं. नई गाड़ी को खरीद कर लाते हैं तो उसकी एक डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है, उससे उतनी तो होगी होगी. लेकिन जब आप पुरानी खरीदते हैं तो वो ऑलरेडी उतनी वैल्यू कम हो चुकी है. अगर आप उसको रीसेल भी करना चाहते हो 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, तो ज़्यादा डेप्रिसिएशन नहीं होता. बस डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे चलाया है और कैसे रखा है, ये दो चीज़ें मैटर करती है.
वाओ, और देखिए ये तो हमने अभी तक देखा ही नहीं है, दिस इज 19 इंचेस टायर्स, ये जनरली हमें ट्रक में देखने को मिलते हैं, रियली नाइस। सो फ्रेंड्स आई थिंक दिस इज अ गुड ऑप्शन, हमने लग्जरी राइड आपको दिखाया है, देर आर सो मेनी गुड ऑप्शंस फॉर लग्जरी कार्स एंड सुपर कार्स, एंड यहाँ पे जितनी कार्स अभी तक मैंने देखी हैं सभी टॉप एंड हायर मॉडल हैं, और आप भी यहाँ आ सकते हैं, राइड कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ के सभी कॉन्टैक्ट नंबर्स देंगे, एंड दैट्स वाई दे से ड्राइव योर ड्रीम कार्स, बिकॉज यहाँ पर मुझे सारी ही मेरी ड्रीम कार्स दिख रही हैं। मुझे भी लगता है कि इतनी गारंटी और वारंटी के साथ शायद मैं भी, या शायद नहीं, अब तो अगर बजट में आता है तो मैं ज़रूर एक सुपर कार या लग्जरी कार लेना चाहूँगी। इसी तरह से आप राइड करते रहिए रफ्तार की दुनिया में, और नई वीडियो के लिए रेडी रहिए। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।